14.5 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क हुई चोरी। डीपी पंचायत का है मामला। थाने पहुंची ग्रामीण बोले, रात 3 बजे पूर्व सरपंच ने साथियों के साथ सड़क को चोरी कर लिया। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। एमपी के सीधी जिले से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल यहां के एक गांव में 14.5 लाख रुपए की लागत से बनी 500 मीटर लंबी सड़क रातों रात चोरी हो गई, जिसकी बकायदा नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप तत्कालीन सरपंच और उनके साथियों पर लगाया गया है। दरअसल मामला ये है कि गांव की पंच गीता तिवारी अपने पति विष्णुदेव तिवारी और ग्रामीणों के साथ हो रही बारिश के बीच 22 अगस्त को शाम 5 बजे थाने पहुंची और सड़क चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। पहले तो पुलिस अफसर भी हैरान रह गए कि आखिर रातों रात सड़क कैसे चोरी हो सकती है, लेकिन जब शिकायतकर्ता विष्णुदेव तिवारी से तफसील से पूछा गया तो मामला सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का सामने आया है। पंच और ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी कि बारिश में उनका निकलना मुश्किल हो चुका है। वे जिस सड़क की शिकायत कर रहे हैं वहां शाम तक सड़क नजर आ रही थी, लेकिन रातों ही रात पूर्व सरपंच और उनके साथियों ने सड़क चोरी कर ली। दरअसल सीधी जिले के रामपुर नैकी जनपद क्षेत्र के पड़खुड़ी 588 ग्राम पंचायत में 14.5 लाख रुपए की लागत से बनाई गई सड़क थी, लेकिन बारिश ने सड़क की गुणवत्ता की पोल खोल दी और रात में यह सड़क बह गई। सुबह ग्रामीणों ने इसे चोरी का नाम देकर थाने में शिकायत दर्ज करा दी। यही नहीं, ग्रामीणों ने तो यह भी दावा किया कि सड़क तो अच्छी बनी थी, लेकिन पूर्व सरपंच राम शिरोमण और उसके साथियों ने चोरी कर ली। ग्रामीण विष्णुदेव तिवारी ने दावा किया कि हमारे यहाँ सड़क बनी थी, लेकिन राम शिरोमण द्वारा रात 3 बजे अपने साथियों के साथ सड़क चुरा ली, जिसे मैंने देखा और इसकी शिकायत दर्ज कराने आए हैं। साथ है ग्रामीणों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने सड़क चुराते हुए देखा और उनका पीछा भी किया, लेकिन वे वहां से भाग निकले। सड़क चोरी का मामला जब जनपद पंचायत तक पहुंचा तो सीओ तरुण रंग डाले भी हैरान रह गए। जनपद सीओ का मानना है कि सड़क चोरी होने की शिकायत उन तक भी पहुंची है। सीधी जिले के मझौली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम मेडरा में भी सड़क चोरी होने की पहले भी शिकायत थाने और जनपद में जा चुकी है, जहां बाद में अधिकारियों ने सरपंच के ऊपर कार्रवाई की थी। चोरी हुई सड़क पर आपका क्या राय है, आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।